मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 13 फरवरी 13 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। इसमें मैंने और ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और जो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा रेगुलर बेसिस पे। और मैंने जो बाई सेल लेवल कम स्किनर बनाया उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाता हूँ। इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और NR4 NR7 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये पूरा फाइल आप लोग को इस फाइल में क्या क्या है और कैसे इसको स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ताकि आप लोग को इसमें स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं, इसको इसका स्ट्रेटजी भी आप लोग देख सकते हैं और इसका बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। इधर देखिए ये कल पिवट पॉइंट का ऊपर क्लोजिंग दिया था। ये कल मैंने बोला था कि ये दोजी या ग्रेपस्टोन दोजी जैसा पैटर्न फॉर्म किया और इसके बाद ये जब ब्रेक किया तो ये हाई जब ब्रेक किया है तो ये ऊपर जगह क्लोजिंग दिया। इधर ये आप लोग ये पैटर्न फॉर्मेशन देखेंगे तो इधर थोड़ा सा ट्रायंगुलर पैटर्न एक ब्रेकआउट हुआ है ये दिखा रहा है। और इसके अलावा आप लोग ये भी नोटिस कर सकते हैं इधर डबल टॉप ऑलमोस्ट डबल टॉप सॉरी ऑलमोस्ट डबल टॉप बना है इधर, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पैटर्न होता है। और इधर थोड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, नॉट परफेक्टली आप लोग इधर वी शेप्ड पैटर्न भी पकड़ सकते हैं। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है। इधर फर्स्ट इधर रेजिस्टेंस लेगा ये 270 के आसपास, 270-276 के आसपास ये फर्स्ट 76 के आसपास ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेगा। उसके बाद इसका रेजिस्टेंस 290 के आसपास होगा, तो 290 के आसपास जब होगा ये 300 क्रॉस का हो सकता है। और भी इधर जो इंडिकेटर्स है इधर आप लोग देख सकते हैं, और भी इंडिकेटर्स सभी इंडिकेटर्स इधर ऊपर जाने का सिग्नल दे रहा है। और बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी भी सेम पैटर्न बना के चल रहा है, इधर ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, इधर इधर डबल टॉप फॉर्मेशन या हेड एंड शोल्डर थोड़ा सा कह नहीं जा सकता, तो इधर ट्रायंगुलर पैटर्न जरूर बना है। और जो ट्रेंड लाइन पैटर्न भी इधर थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है। इसका इधर चार्ट का सेटअप है, चार्ट का जो इंडिकेटर्स है बहुत सारे जो इंडिकेटर्स लगा तो इधर ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है। और इधर थोड़ा सा स्मॉल इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बना है, इसको दोजी या स्पिनिंग टॉप भी बोल सकता है क्योंकि ये परफेक्ट हैमर भी नहीं है। और इधर इधर रेजिस्टेंस है 11,800 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, इसके बाद यह 11,900 के आसपास इधर 32,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये 32,000 के ऊपर जा सकता है। तो देखना पड़ेगा और भी पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हम लोग मिसाल ले सकते हैं। तो इधर इन ये जो PCR रेशियो है, सॉरी मैंने PCR रेशियो को कैलकुलेट नहीं किया है, तो इधर PCR रेशियो में 1:9:2 / 1 इधर PCR रेशियो 1.50 हो गया है निफ्टी का। तो
हो सकता है ये कॉन्ट्राडेट लेके कुछ नीचे आने का कोशिश करेगा, लेकिन और भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 1.60 या 1.70 तक जा सकता है। मैंने लास्ट में जब 12,300 के आसपास गया था, अभी 12,600 के आसपास गया था, तब नोटिस किया था बड़ा के 1.89 तक भी नोटिस किया था। तो ऐसा नहीं है कि 1.50 हो गया ये नीचे आने लगेगा, ऐसा ये जस्ट थंब रूल है, लेकिन इसका थोड़ा सा और भी ऊपर जा सकता है, 1.60 1.70 तक भी जा सकता है, क्योंकि चार्ट का सेटअप भी दिख रहा है। और ऑप्शन चेन जो बोल रहा है, देखिए 12,300 ये कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट या रेजिस्टेंस बना है। इमीडिएट जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो ही हम लोग पकड़ते हैं 12,300 में। तो इधर 12,300 में देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फिर से एडिशन हुआ है, और इधर पॉजिटिव चेंज इन प्राइस भी हुआ है, यह लॉन्ग बिल्डअप बना है। और इधर नीचे साइड में इसका जो नीचे का लेवल है, जो इन द मनी का जो कॉल्स है, इधर भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ हो रहा है। तो मतलब जब नीचे जाने का कोशिश करेगा ये सब लेवल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। और इधर पुट साइड में जो इमीडिएटली सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 12,100 में, इधर सपोर्ट बना है, इधर भी पॉजिटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इधर शॉर्टिंग हो रहा है, और पॉजिटिव चेंज इधर पुट शॉर्टिंग होने का पॉजिटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना है। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाने का कोशिश करेगा, एटलीस्ट इधर ऊपर जाने का मोमेंटम इसका पूरा पूरा है। और निफ्टी और इधर आईबी भी थोड़ा सा पहले से कल 11 था, इधर 11 का था या आज 13 दिखा रहा है। इधर पुट साइड का आईबी गिर गया है, कॉल साइड में इधर आईबी बढ़ा है। और इधर बैंक निफ्टी का देखता हूँ, का पीछे रिसीव 1.35 है, 1.36 पकड़ सकता है, 1.358 तो 1.36 है। और इसका लॉन्ग बिल्ड इधर सबसे ज़्यादा इमीडिएट सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कॉल साइड में 31,700 में, और पुट साइड में मैंने देखिए इधर 31,000 में तो इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन कल का एक्सपायरी मैंने पकड़ा, तो इधर मैंने इसको पकड़ता हूँ 31,300 में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, वही पकड़ता हूँ। इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, इधर भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और इधर भी देखिए 31,800 में और 31,700 में इधर फेस ओपन इंटरेस्ट बना है, 31,700 में पर्टिकुलरली देखिए फेस ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है, और इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इधर आईबी भी बढ़ गया है, आरबी भी कल का 18 के ऊपर 19 का आईबी दिया गया है। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग ऊपर जाने का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा मैंने, लेकिन प्रोबेबिलिटी में देखिए मैंने आज का क्लोजिंग प्राइस लिया है, और कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और एक दिन का हिसाब से इधर जो मैंने पकड़ा है 12,100 का ये रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, और 12,300 में रेजिस्टेंस है। तो इधर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन कुछ नीचे दिखा रहा है दोनों साइड में, 31,700 या 31,300 में ये प्रोबेबिलिटी नीचे कैलकुलेशन नीचे दिखाई दे रहा है। तो मैंने जो मिल रहा है मेरा निफ्टी का चार्ट और ओपन ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट और प्रोबेबिलिटी आप लोग को दिखा रहा है,
कभी कभी सभी पैरामीटर्स पॉजिटिव नहीं है, 3 से 2 पैरामीटर्स पॉजिटिव दिख रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब वो मैंने